कि जो जमीनें हैं इसको जबरदस्ती अधिग्रहण किया। कहो चाचा को बता दी जमीनें छीने लिया था, हमका तो कोनो किसान बोलत हुए नहीं दिखाई दिया था, किसान नेता तो बहुत सारे हैं। अब ये इन्हें बात कर लो, यू चाचा अब भैया पत्रकार बने जाते हैं, अब भाई किसान नेता बन गए, फिर कहीं लो सीएम भैया बोलत हो तो का बताई। हैदरगढ़ क्षेत्र के घरकुइया गाँव का मामला बतावा जा रहा, जहाँ पर यू कहा जा रहा है कि 245 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक पार्क बनाने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। अरे इससे तो फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, और भैया एसडीएम साहब भी कह रहे हैं दगड़के कि देखो भैया अगर ये प्रस्ताव वापस चला गया तो बहुत नुकसान होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। अब जिनके लड़का बच्चा नोएडा जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दूर दूर जाते हैं पैसा कमावे खातर, उनका हैदरगढ़ में नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो किसान नेता पता नहीं कहाँ से आएंगे, भैया हल्ला मचावे ला कि लो भैया इका वापस ले जाओ, पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, तो तुम लोग के ज्ञापन ये अगर वापस हो जाए तो बहुत दिक्कत की बात है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आचल कुमार मिश्रा जी जाना तो कि नहीं जाना तो हैदरगढ़ तहसील के भैया पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वही बताओ रहे हैं कि देखो भैया ऐसा है, हम तो बकायदा प्रशासन और सरकार के साथ हैं, यहाँ पर अगर भैया 245 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक पार्क बनेगा तो क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, नौकरी मिलेगी, दूर दूर से सेलिब्रिटी यहाँ पर आएंगे तो बहुत विकास होगा क्षेत्र का और जिले का भी नाम होगा। लेकिन इनका पता नहीं कहा दिक्कत है, कहो चाचा कहा दिक्कत, तुमका परेशानी हो रही बिना मतलब, देखो भैया कई जने हैं बताओ, हमका तो नहीं लगा तू गाँव का कोई है। बाकी आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, अगली खबर देख लेते, ज्यादा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भैया बुरा मानिए मेरी बात का, बुरा ना माने भैया मेरी बात का, तो कहना तो नहीं बता दी। अब कल रात का देखा था बाराबंकी जिले के देवा मेला में मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन करने के लिए पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी पहुंचे थे, दीप प्रज्वलित करके बढ़िया मुशायरे का शुभारंभ कर रहे थे। हमने कहा तो आपको दिखा दे, इस दरमियान भैया तमाम सपा के कार्यकर्ता भी दिख रहे थे। बाकी अगली खबर देख ली था। अब झूला झूलने से पहले तनिक सावधान हो जाओ, वरना तुमको ऐसा झूलाएंगे कि पूछो ना भैया, तुम झूल झूल के गिर जाओगे। मामला बाराबंकी जिले के देवा मेला बतावा जा रहा, जहां पर देख लो दुई ठोरी लंडे भैया झूला गड़बड़ा जाता है या लंडे गिर जाता है, इन बातन की पुष्टि तो हमने करी थन, लेकिन लोग बता रहे कि देखो भाई देखो झूला झूलत वक्त अचानक से झूला बिगड़ जाता है, जिसके बाद लंडे गिर जाते हैं, या तो शुक्र मनाओ ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे, लेकिन भैया गिर जाते हैं बेचारे। फिर उसके बाद पुलिस पहुंचती है, तुरंत भैया उन लोगों को अस्पताल पहुंचाती है। आप देखा सका किस प्रकार से मार भैया बहुत भीड़ दिख रही थी, और बाराबंकी पुलिस तुरंत मोर्चा संभालती हुई दिख रही थी। हमने कहा तो आपको बता दें कि बाराबंकी की पुलिस भैया देवा मेला में काफी ज्यादा अलर्ट दिख रही है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पुलिस भैया आपकी सुरक्षा में लगी हुई है, और तुरंत भैया कोई गिरा है तो अस्पताल पहुंचा दिया था। बाकी अगली खबर देख ली था। वाह चाचा वाह, क्या बात है, पहचाने भैया, रामनगर के विधायक है फरीद महफूज की दोई चाचा, देखा तो बढ़िया भगवत कथा सुने खातिर कह रहा है। हमने कहा तनिक आपको बता दे कि देखो आजकल भगवत कथा बहुत सुन रहे हैं और बहुत नीक और बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शिव मैसेज को सुनने की तो बात बनेंगे इसके, और आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसे लगी।